दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा नेता अरुण जेटली की हालत नाजुक बनी हुई है। शनिवार को उन्हें वेंटिलेटर से हटाकर एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजेशन और इंट्रा आर्टिक बलून पंप सपोर्ट पर रखा गया है। उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद से ही राजनेताओं के आने जाने का सिलसिला अभी तक जारी है। रविवार शाम करीब 6:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुण जेटली से मिलने एम्स पहुंचे थे। उनसे पहले दोपहर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी अस्पताल गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे से स्वदेश लौट आए हैं। खबरों के मुताबिक वे आज जेटली का हालचाल जानने एम्स जा सकते हैं। उनसे पहले रविवार सुबह संघ प्रमुख मोहन भागवत भी एम्स पहुंचे थे और एम्स के कार्डियक न्यूरो सेंटर में भर्ती पूर्व वित्त मंत्री के परिजनों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और रामविलास पासवान सहित कई नेता भी जेटली के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए रविवार को एम्स गए। उनके अलावा अस्पताल जाने वालों में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्रा, आरएसएस संयुक्त महासचिव डॉक्टर कृष्ण गोपाल और समाजवादी पार्टी पूर्व नेता अमर सिंह भी शामिल हैं। शनिवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूपी के पूर्व सीएम मायावती, सतीश मिश्रा, सत्यपाल मलिक, बिहार के सीएम नीतीश कुमार एम्स पहुंचे थे। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ भी शनिवार को एम्स गए थे। उधर एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 2 दिन से दिल और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया है। वेंटिलेटर से भी फायदा ना होने के कारण अरुण जेटली को एक्मो पर रखा गया है। डॉक्टरों का कहना है कि अरुण जेटली अभी भी सांस नहीं ले पा रहे हैं। आईसीयू में भर्ती होने के कारण किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल हालत काफी नाजुक होने के कारण भविष्य के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बताया जा रहा है कि परिजनों की अपील के बाद एम्स प्रबंधन ने भी पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का मेडिकल बुलेटिन जारी करना अब बंद कर दिया है। LD न्यूज रूम से दीपक चंद की रिपोर्ट।